मेरे प्यारो गदर 2 की मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि इस पिक्चर में क्या मिस्टेक है। और यदि आपको पिक्चर की मिस्टेक मिल जाती है तो नीचे कमेंट करके बता भी देना, और यदि नहीं मिल जाती है तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि पिक्चर की मिस्टेक तो मैं आगे ही बताऊंगा। इस सीन में तारा भैया इन गुंडों को बस नीचे से खड़ा करते हैं, पर बाद में तो ये तो हवा में उड़ने लग जाते हैं। पर यार तारा भैया ने तो बस आराम से उठाया था, तो ये हवा में कैसे उड़ने लग गए। इस सीन में जब तारा सिंह इस भाई को किक मारता है तो ये स्लो मोशन में पीछे जाने लगता है, पर लगता है स्लो मोशन में बस इसी बंदे के ऊपर अप्लाई हो रही है, क्योंकि ये बंदा तो अपने नॉर्मल स्पीड से खड़ा होता है। नहीं मतलब सीन स्लो मोशन का है तो स्लो मोशन भी तो सब पर अप्लाई होना चाहिए ना। इस सीन में जब ये घोंचू जीते को बंदूक से मारता है तो यार जोर से लगी होगी, नहीं क्योंकि बंदूक जो इतनी दूर थी, मतलब थोड़ा तो रियल दिखा दो यार, क्योंकि बंदूक लगी भी नहीं, लेकिन उससे पहले ही विमल वाला पानी बाहर आ गया मुंह से। तो यार इस वाले सीन को देखकर तो मैं भी बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, विमल बोलो जुबा केसरी। जब तारा सिंह इस बॉम्ब के बॉक्स को फेंकते हैं तो नीचे तारा भैया का शेडो भी है, पर इन वाले बॉक्सेस का कोई शेडो ही नहीं है, और ना ही इन लोगों का शेडो है। नहीं मतलब तारा भैया का शेडो है तो इनका भी तो होना चाहिए ना। और जब तारा भैया ये बॉम्ब फेंक रहे होते हैं तो पीछे ये वाले लोग मरे हुए हैं, मतलब इस सीन में मरे हुए हैं, पर इस भाई का तो मरने के बाद भी हाथ हिलता है। अब आप लोग कहोगे कि मूवी के लिए मर थोड़ी सकते हैं, पर यार मरने की एक्टिंग तो कर सकते हैं ना, क्योंकि बाकी सब भी तो एक्टिंग ही कर रहे हैं। जब अपने तारा सिंह इस गाड़ी पर हथौड़ा मारते हैं तो गाड़ी के आगे के दोनों टायर निकल जाते हैं, पर जब ये हथौड़ा मारकर पीछे को आते हैं तो गाड़ी के तो दोनों टायर एकदम चकाचक फिट हैं। पर कैसे यार, क्योंकि जब इन्होंने हथौड़ा मारा तो दोनों टायर निकल गए थे, तो फिर ये टायर लगाए किसने। इस सीन में जब तारा सिंह आते हैं तो हवा जोरों शोरों से चलने लगती है, पर लगता है इस हवा से सिर्फ पत्ते उड़ते हैं, क्योंकि ये कपड़े शपड़े कोई नहीं उड़ते। नहीं मतलब हवा चल रही है, पत्ते उड़ रहे हैं, तो इन कपड़ों का हिलना भी तो बनता ही है ना। जब हमारे तारा सिंह इस गाड़ी के बोनट पर थोड़ा मारते हैं तो बोनट पर छेद हो जाता है। खैर ये तो वो था जो आपने देखा, और जो मिस्टेक ज्ञान ने देखा वो आपने नहीं देखा, और वो ये है कि तारा सिंह ने अभी तक बोनट पर हथौड़ा मारा भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही बोनट पर हथौड़ा मारने का इफेक्ट आ जाता है। इस सीन में इन लोगों के खुद के पास हथियार है, बंदूकें हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मार ही खाए जा रहे हैं। नहीं मतलब तुम्हारे पास है बंदूकें तो चलाओ ना यार, लगता है इन पुलिस वालों का सिलेक्शन भी पबजी से हुआ होगा। इस सीन में जब तारा सिंह इसके मुंह पर हथौड़ा मारते हैं तो इसका मुंह टूट जाता है, पर यार जब ये हथौड़ा मारते हैं तो अभी तक हथौड़ा एकदम सही था, पर अचानक से ये एकदम गायब हो जाता है और फिर पीछे से कहीं से निकलता है। इस सीन में तारा सिंह और जीते बॉम्ब फेंक के गाड़ियां उड़ा देते हैं, चलो वो तो सही है, पर यार लगता है कि मेकर्स ने गाड़ियों के फटने से पहले गाड़ियों में से गाड़ियों के इंजन निकाल लिए। तो यार बस यार आज के लिए इतना ही, और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस पिक्चर में क्या मिस्टेक है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और आपके मिस्टेक ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिस्टेक ये है कि ये लड़की एक कान में मोबाइल से बात भी करती है और दूसरे कान में बर्ड्स भी लगा रखा है।